हम आपको लगातार खबरें बताते आ रहे थे कि किस प्रकार से उल्लासनगर के वैक्सीनेशन केंद्रों में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने सभी वार्डों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने का निर्णय लिया। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के पैनल नंबर 14 में भी वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस विषय में क्या है कहना, शिवसेना उपशहर प्रमुख अरुणाशन का आइए जानते हैं। आज वार्ड क्रमांक 18 में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगाया गया है। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय महापौर जी का, लीलाबाई आचार्य का और हमारे आयुक्त राजा दयानिधि साहब का, जिन्होंने ये प्रयास करके हर प्रभाग क्षेत्र में, हर नगर सेवक के इसमें उन्होंने कैंप का आयोजन किया है। मुझे लगता है कि लोगों को जो परेशानी होती थी कि अलग अलग कैंप में जाने के लिए उनको रिक्शा में जाना पड़ता था, उनको भारी काफ़ी दिक्कत आती थी और इसके कारण धक्का मुक्की भी होती थी, मगर हर कैंप में, हर वार्ड में उन्होंने ये वैक्सीनेशन कैंप लगा के बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। तो आज इस पैनल में पूज पंचायत हॉल में आज जो वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया है उसमें काफ़ी सारे लोग पहली मात्रा और दूसरी मात्रा के डोसेज ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर विभाग में अगर इस तरह से कैंपेनिंग होगा तो सभी शहर आज जल्द से जल्द अपना ये उल्लासनगर शहर वैक्सीन करके कोरोना मुक्त होने के लिए सहकार होगा। मैं फिर से एक बार उल्लासनगर महानगर पालिका, माननीय महापौर और माननीय आयुक्त साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अभी हमारे करीबन सुबह से अभी तक 50 लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। 300 वैक्सीनेशन आए, उसमें 200 वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और 100 वैक्सीनेशन सेकंड डोज के लिए आए हैं। तो ये सारे ऑनलाइन करके वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता और नगर पालिका के कर्मचारी बैठे हैं और वो अच्छी तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं और लोग भी इसका आगे आके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।